स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक्निकल। तो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों योगी केयरिंग लैंप है। तो मैं फाइनली इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं और इसका मैं फंक्शन में बताऊँगा किस टाइप से इसका। और आप लोग टेक्नीशियन से जुड़े हुए हैं, मोबाइल रिपेयर करते हैं, तो ये लैंप का बहुत ही आप लोगों को ज़रूरी पड़ने वाला है। मैं आप लोगों को इसका दिखाने जा रहा हूँ इसका कैसे कैसे काम इसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करके उसके बाद प्रोग्रामिंग करके आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है ओनली लाइट है और इसमें बटन दिया हुआ है जिससे कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एक यूएसबी दिया हुआ है नेक्स्ट साइड में। ये यूएसबी का काम रहता है दोस्तों कि चार्जर में लगा के उसके बाद लाइट जला सकते हैं। सबसे पहले इसे लगा लेते हैं चार्ज में, उसके बाद देख सकते हैं यूएसबी में फिट कर चुका हूँ। तो बटन क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इसका बढ़िया लाइट दे रहा है। तो इसका दूरी है दोस्तों कि ये सामने ही रखेंगे, तो जहाँ भी जंपर करेंगे तो उसका सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं जंपर करके उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि इसका जंपर किस टाइप से सुखाता है इसका। तो मैकेनिक का देख सकते हैं, मैकेनिक UBH 900 बाय मॉडल है दोस्तों। तो ये यूवी पेस्ट है, तो जहाँ जंपर बोर्ड में कहीं प्रॉब्लम रहता है उसका कनेक्शन देने के लिए जंपर करना पड़ता है और जंपर को सुखाने के लिए भी काम आता है। सबसे पहले इसका जंप लगा लेते हैं यूवी पेस्ट। तो देख सकते हैं हल्का मात्रा में लगाना है। मैं वीडियो को जूम अभी कर दूंगा ताकि ठीक से मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो पूरा पतला में लगाना, ज़्यादा मोटा नहीं कर देना, नहीं तो क्या होता है कि मोटा करने से जंपर ठीक से नहीं लग पाता है और ये यूवी पेस्ट ज़्यादा मोटा होने के कारण सूख नहीं पाता है। तो देख सकते हैं ये जो फ्लेक्स है ये कटा हुआ है यहाँ, तो ये कटा हुआ है। तो अगर इसे ज़्यादा यहाँ हल्का सा मोटा डाल देंगे तो ये दोनों तरफ से ये फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले एक साइड फिक्स करेंगे, उसके बाद इसका लाइट अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसका ऊपर में रख देते हैं, उसके बाद हल्का वेट करेंगे, कम से कम 1 से 1.5 मिनट में ऑटोमेटिक यूवी पेस्ट सूख जाएगा। तो इस डब्बे में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ तब तक यूवी पेस्ट सूख जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ सॉलिड फाइल लिखा हुआ है, टेस्ट नेल और रेजिन, ये सभी मतलब ये सभी कामों के लिए ये लाइट बहुत ही बेहतर रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्टिक्स चश्मा वगैरह काम के लिए, तो ये चश्मा के लिए स्पेशलिस्ट काम कर सकते हैं। ये साइकिल में भी काम आ जाएगा, साइकिल का आगे साइड हेडलाइट भी लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं इसे। लेकिन ये बहुत ही काम का चीज़ है दोस्तों। मार्केट से मैं परचेज करके लाया हूँ मैकेनिक का, तो देख रहा था उसका महंगा आ रहा था, तो मैंने यूवी लैंप सिंपल चालू मॉडल उठा के लाया हूँ, लेकिन इससे भी काम निकल जाएगा। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस टाइप से सूखता है। अब चेक करके देखते हैं कि ये पेस्ट सूखा है या नहीं सूखा है। तो सबसे पहले इसे हटा के उसके बाद लाइट को साइड में रख देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे यहाँ ब्लेड की मदद से। ब्लेड नंबर 11 यूज़ करते हैं जिससे यहाँ खुरचने में आसानी होगा। तो आप लोगों को मैं को जूम करके सामने से मैं दिखाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सूख चुका है, इसे कितना भी खुरच रहे हैं ये पूरा हार्ड टाइप से पकड़ चुका है। और देख सकते हैं इसका पत्ता फ्लेक्स बिल्कुल जॉइंट हो चुका है पहले के जैसा। तो दोस्तों जंपर्स के लिए स्पेशलिस्ट एक नंबर है, आप लोग रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी इस टाइप से लैंप खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं जंपर वगैरह के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद लगा होगा प्लीज़ 1 लाइक जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। फाइनली दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।